फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आरटीसी अपॉन पीसीबी इज इक्वल टू 8/3। देखिए कैसे प्रूफ होता है। पहले देखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टीसी जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो होता है 80 अपॉन 27 आरबी, एंड जो होता है हमारा पीसी, पीसी इज इक्वल टू होता है हमारा पीसी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, एंड बी सी इज इक्वल टू होता है 3B। तो इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा R इंटू 8A अपॉन 27 RB अपॉन, ये हमारा पी सी की वैल्यू हो जाएगी A अपॉन 27 B स्क्वायर इंटू बी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारा 3B, एंड ये हमें मिलेगा यहाँ 8 से 8 कैंसिल जाएगा, मतलब सॉरी R से R, और ये हमारा रेसिप्रोकल जब ऊपर ये एक B से ये एक B हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड ये B से ये भी, ये रेसिप्रोकल अपॉन में है तो ये भी इससे कैंसिल जाएगा, एंड A भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा से बचेगा 8/3। यानी जो हमने ये आर टी सी वैल्यू ये इक्वल टू है आर टी सी अपॉन पी सी इंटू वी सी, इसमें जब हमने सभी की वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिल गया 8/3। फ्रेंड्स, यही प्रूफ है हमारा, बहुत सिंपल सा मेथड है प्रूफ करने का। तो मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि हम जानते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है टी सी इक्वल टू 8/27 आर भी होता है, क्रिटिकल प्रेशर जो होता है पी सी इक्वल टू 8/27 बी स्क्वायर होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम जो वी सी इक्वल टू होता है 3B। जब इस फार्मूला में हमने तीनों वैल्यू की पुट की तो ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड ये एंड सारे जो है कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारा 8/3 बचा, एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2.667, या इसे सिर्फ 2.6 लिखा जाता है। अगर फ्रेंड्स यही है प्रूफ। थैंक यू।